समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ यौन संबंध बनाया है। जब पुलिस कांस्टेबल ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाया तो वह शादी से मुकर गया। इसके बीच ही डॉक्टर के प्यार में पागल महिला कांस्टेबल ने अपनी अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी। बता दें कि अब पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आवेदन देने के 20 दिन बाद भी महिला थाने में प्राथमिकता दर्ज नहीं की जा सकी है। आइए सुनते हैं पीड़िता की कहानी। शादी का मामला है, शादी का धोखा दिया है, शादी कह करके। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट का संचालक है, डॉक्टर मोहम्मद मनीरा, इसी के यहाँ 2014 में मैं गई थी रिसेप्शनिस्ट के लिए काम, जॉब सर प्राइवेट जॉब ढूंढने के लिए, वहीं की बस वहीं नज़दीकियाँ बढ़ते गए और फिर शादी के लिए बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और बस इसी बीच मेरे साथ धोखा किया मेरे साथ। और फिर मैं इसी बीच हमको लग गया जॉब तो यहाँ सहरसा में बिहार कांस्टेबल पे, तो वहाँ मैं चली गई सहरसा के, यहाँ खगड़िया, फिर भी वहाँ भी चैन से हमको नहीं रहने दिया। आओ जो हम कमाते हैं तुम्हारे लिए सब ये है, जितना तुम वहाँ महीना में कमाओगी उससे ज़्यादा हम एक दिन में कमा करके मतलब तुमको दे देंगे। लेकिन हमको सुकून से वहाँ भी नहीं रहने दिया। जब हम वहाँ से चले आए और फिर जब शादी के लिए बोले तो डालमाटोल कर रहा, आज करेंगे कल करेंगे ना, कहीं घबराती हो, टेंशन नहीं लो, हम ही हैं। और पहले से वो हम बताए कि हम अविवाहित हैं। और उसके बाद जब फिर घर वाले भी उनके ऊपर दबाव बनाए कि शादी करो तो भाग गया, फिरार हो गया। इसी बीच पापा भाई मेरे सब उनके घर पे भी गए मिलने के लिए कि जाके पूछा जाए क्या है, वहाँ से भी फिरार हो गया। हॉस्पिटल पे मैं खुद भी गई थी मिलने के लिए, वहाँ से भी वो फिरार हो गए। लास्ट में जाकर के हमको ये प्रशासनिक मतलब सहारा लेना पड़ा, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम ना 14 तारीख को महिला थाना में अप्लीकेशन दियो, लेकिन वहाँ से भी कोई ये नहीं हो रहा है। 13 तारीख को जो हमने महिला थाना में जो आवेदन दिया है तो अभी 20 दिन के लगभग होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी बीच हमने एक SP को भी आवेदन दिया, SP साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 4 दिन रुक जाओ, कार्रवाई होगी उस पर। तो जैसा कि मालूम हुआ कि वो लोग पैसा वाला आदमी है और पैसा काफ़ी खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो